बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो हमने मिशन शुरू किया हुआ है, 9000 लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान में। उसका मकसद ये नहीं है कि 9000 लोग हैं, 9000 खानदान पल रहे हैं, आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कटवा गोश्त किस तरीके से तैयार होता है उसकी रेसिपी मैंने पहले दी हुई है। मटर निहारी किस तरीके से तैयार होती है, टेस्ट किस तरीके से डेवलप करती है उसकी रेसिपी मैंने पहले चैनल पे दी हुई है आप लोगों को। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। कुन्ना गोश्त आज सिखाने लगा हूं। कुन्ना गोश्त तैयार किस तरीके से होता है, किस तरीके से टेस्ट निकलता है, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। हरिपुर हजारा से यह डिश चली और चिन्योट में आगे रुक गई। कमाल का टेस्ट, कमाल की हिस्ट्री, लाइट मिसालों में तैयार होने वाला ये कुन्ना गोश्त आज आपको बताने लगा हूं। कंप्लीट आपको गाइड करूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे और जो मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो सीखें। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, टेंशन ना लिया करें। मट्टी के बर्तन में तैयार होने वाला कुन्ना गोश्त जबरदस्त टेस्ट निकलेगा। फ्लेम को ऑन करने लगा हूं, फ्लेम ऑन करने, इसके अंदर पानी वगैरह थोड़ा सा है वो खुश्क हो जाए। मट्टी की हांडी जो है ना वो गर्म हो चुकी है, इसके अंदर आधा किलो घी है मेरे पास, ये देखिए घी। ऑयल नहीं बेच दब देना, आधा किलो घी डाल दें और घी को गर्म होने दें। घी जब गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं आपको कमर्शियल रेसिपियाँ बताता हूँ, कमर्शियल रेसिपी में घी जाएगा। आप घर में बना रहे हैं घी पसंद नहीं करते, ऑयल डाल सकते हैं बेच, लेकिन आप जो कमर्शियल आपको मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए, असल कुन्ने गोश्त का टेस्ट चाहिए तो मेरे भाइयों घी ही जाएगा। 1.5 पाव मेरे पास प्याज था, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। घी गर्म हो गया, इसको मैंने सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा वो करना है नरम, मैंने इसको सोते जिसे आप कहते हो वो करना है, मैंने इसको ब्राउन की तरफ लेके नहीं जाना। 3 से 4 मिनट लगेंगे ये प्याज हमारा नरम हो जाए, फिर क्या शामिल करना है आप मेरे साथ रहेंगे। ये लें व्यूअर, मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट किया, प्याज इस तरह मेरा नरम हो गया। बस आपने इस शक्ल में करना है, इसको भुनाई की तरफ नहीं लेके जाना, ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। इस टाइम पे आके मेरे पास ये मटन था, 3 किलो मटन मैं लेके आया, बड़ी बोटी इसमें जाएगी, कुन्ने गोश्त में बड़ी बोटी, ये देखें इस तरह की बड़ी बोटियाँ मैंने करवाई हुई हैं, छोटी बोटी मेरे पास कोई नहीं है, ये देखें बड़ी बोटी, ये देखें इस तरह की। और ये मटन का गोश्त है, कुन्ना हमेशा मटन का ही तैयार होता है। कुछ लोग इसको चिकन में तैयार करते हैं, कुछ लोग इसको बीफ में तैयार करते हैं। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको बीफ में किस तरीके से तैयार होता है मैं बताऊंगा, चिकन में किस तरीके से तैयार होता है मैं बताऊंगा, ये रेसिपी नहीं होगी फिर, उसकी रेसिपी चेंज है। ये मटन कुन्ने की असल रेसिपी जो चिन्योटी कुन्ना है वो मटन की ही है, ये बात मेरे ध्यान में रखिएगा। इस टाइम पर आके 3 किलो ये मेरे पास मटन है, इसमें शामिल कर दें, ये देखें, और अच्छे तरीके से इसको ऐसे मिक्स कर लें, माशाल्लाह। इसको मिक्स करते वक्त इस तरह मेरे पास 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, 15 जवे थे लहसुन के, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनका पेस्ट तैयार कर लिया, इसमें शामिल कर दें इस टाइम पे आते, और इसको हिला लें। कितने मिनट हिला लें, 3 से 4 मिनट, बस 3 से 4 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ्लेम जो है वीवर वो मेरा मीडियम है, मैं अभी तक मीडियम फ्लेम पे इसको सारे प्रोसेस से गुजार रहा हूँ, मेरी बात को तसल्ली से समझा करें। मैंने इसका जो फ्लेम है उसको हाई नहीं किया, उसको स्लो नहीं किया, मैंने 3 मिनट इसको किया, इसका सिर्फ मैंने मटन का कलर को थोड़ा सा चेंज कर लिया, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, ये देखें मैंने सिर्फ इसका कलर चेंज किया बस। इसको मैंने भुनाई की तरफ नहीं लेके गया, इन्हों भुनना नहीं है, तुसी आप भुनेंगे फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, ओरिजिनल जो कुन्ना गोश्त है वो उसका जो है ना फ्लेवर वो नहीं आ सकेगा अगर आपने इसको भुनाई की तरफ लेके चले गए तो। इस टाइम पे आके 1.5 टेबल स्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करते हैं, मुझे बाद में कम लगा, फाइनल के टाइम पे मैं नमक डालूंगा। 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल कर दें, पिसी हुई मिर्च लाल ये 1 और ये 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च शामिल कर दें या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1/2 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दें, इसको शामिल करके ये देखें अच्छे से अच्छे तरीके से 2 मिनट सिर्फ इसको मज़ीद इसके अंदर हल्की सी भुनाई कर लें, उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह
दो मिनट के बाद इसकी कंडीशन ये देखें, इस कंडीशन में आ गया है, ये देखें इस तरह। बस अब मैंने क्या करना है, इस टाइम पे आके छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, 3 और 3 6 7 अदद छोटी इलायची शामिल कर दें। ये दार चीनी, ये देखें, ये 2-3 टुकड़े छोटे साइज़ के शामिल कर दें। बड़ी इलायची 4 अदद शामिल कर दें। 8 से 10 अदद लौंग और 15 अदद काली मिर्चें तकरीबन ये शामिल कर दें, साबित काली मिर्च ये शामिल करके इसको ऐसे थोड़ा सा हिला लें। और अब आपको एक फार्मूला और बताऊँ इसके पकाने का। अब इसके अंदर 1 किलो में 1 लीटर पानी डलेगा, 1 किलो के हिसाब से 1 लीटर पानी आपने डालना है। मैं पानी डालने लगा हूँ, और ये भी होता है गोश्त किस टाइम पे गलेगा, सख्त है बकरे का है बकरी का है, बकरी का गोश्त सख्त होता है बकरे का गोश्त नरम होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 3 लीटर पानी, ये लगे 3 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया। मुझे अगर ज़रूरत पेश आएगी और 1.5 घंटा मैंने इसको रखना है, और मुझे लगेगा 1.5 घंटे के बाद कि ये मेरा गोश्त गला नहीं है, तो आप मेरे साथ रहेंगे, मैं तुहानू दसांगा मैंने कितना पानी डाला कितना नहीं डाला। लेकिन फार्मूला यही रहेगा, 1 किलो पर 1 लीटर पानी, ठीक है। इसको मैंने हिला दिया, इसको मैं कवर करने लगा हूँ 1.5 घंटे के लिए। पहले मेरा जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगा, जब इसको थोड़ा सा जोश आ जाएगा, बॉयल आना शुरू हो जाएगा पानी को, फिर मैं लो फ्लेम पे इसको 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। 1.5 घंटे के बाद मेरे भाई लोग मिलते हैं, क्या चीज़ शामिल करनी है आप मेरे साथ रहेंगे। ये लें व्यूअर, ये 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके ऊपर इस तरह वेट रख दिया था, ये इसको उतार दें, इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं। स्लो फ्लेम पर ये बन रहा है, मैंने इसका फ्लेम हाई नहीं किया, स्लो फ्लेम पे, मीडियम भी नहीं है, स्लो फ्लेम पे 1.5 घंटा पूरा हो चुका है इसको। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी, अगर आप यहाँ नज़दीक होते तो मैं आपको दिखा सकता, ये देखें। अब इस टाइम पे आके आपने क्या करना है 1.5 घंटे के बाद, ये देखें, ये मेरे पास 2 अदद जायफल थे और ये जावित्री थी थोड़ी सी, ये मैंने इसको इसमें जार में डाल दिया, ये देखें, इसको ग्राइंड करना है। इस टाइम पे आके ये चीज शामिल करनी है, आपने ध्यान में रहे। ये इसका देखें पाउडर बना दिया इसने, इसके अंदर शामिल कर दें, पहले नहीं दाब देने। कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून भर के, कसूरी मेथी, खुश्क मेथी जिसे आप कहते हो, ये शामिल कर दें इस टाइम पे आके। ये मेरे पास 6 अदद साबित वाली सुर्ख मिर्च है, इस टाइम पे आके ये शामिल करते हैं। काला ज़ीरा है मेरे पास, ये देखें, ये 1 और ये 2 टेबलस्पून ब्लैक ज़ीरा ये शामिल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से हिला दें और इसको ऊपर से कवर कर दें। बहुत ही प्यारा टेस्टी इसका फ्लेवर, आए हाय हाय क्या ये कहने, देखें आप ये कुन्ना तैयार हो रहा है, आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करने लगा हूँ, 5 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ, इसमें क्या शामिल करना है मेरे साथ रहेंगे आप। ये लें व्यूअर, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, स्लो फ्लेम पे, ये पक रहे हैं प्यार प्यार नाल, ये देखें इसकी कंडीशन देख लें। मैंने पानी इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की, पानी जो था वही था। इस टाइम पर आके बहुत प्यारी लुक इसकी आ गई है, देख लें, बहुत प्यारी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। इस टाइम पर आके ये देखें, ये मेरे पास 100 ग्राम आटा है, ये मेरे पास फाइन आटा है 100 ग्राम, 3 किलो का फार्मूला, 100 ग्राम फाइन आटा, मैंने लाल आटा चक्की वाला यूज़ नहीं किया, आप भी ना कीजिएगा। कुछ लोग इसमें मैदा यूज़ करते हैं, मैं समझता हूँ मैदा यूज़ करना इसमें ठीक नहीं है कुन्ने गोश्त में, इसमें फाइन आटा आप यूज़ करें, फाइन आटा इसके अंदर आप शामिल कर दें, 100 ग्राम है ये। अगर आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 150 ग्राम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी की थिकनेस चाहिए, जिस तरह का टेस्ट चाहिए, मैं 100 ग्राम डालूँगा। पानी थोड़ा सा डाल दें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये इस फॉर्म में आ गया, ये देखें, आधा गिलास पानी का डला है, देखें इस फॉर्म में आ गया ये, ये इस तरह का होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, जैसे आप सूप की रेसिपी मैंने आपको बताई थी जिसमें कॉर्नफ्लोर आप शामिल करते हैं, इस तरह इसको चम्मच ले लें, हल्का हल्का स्लो फ्लेम पर, फ्लेम नहीं ऊँचा कर देना, इस तरह डालते रहें, इसको हिलाते रहें, इस तरह इसको डालते रहें, इस तरह इसको हिलाते रहें, ये देखें क्या ये कहने हैं, क्या ये बातें हैं माशाल्लाह। इस तरह डालें, इसको हिलाएं इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से इसको डाल दें, इस तरीके से इसको हिलाएं, बहुत प्यारा इसकी ग्रेवी तैयार कर रहा हूँ मैं,
बहुत प्यारा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। इस तरह डालें इसको, फिर हिलाएं इसको अच्छे तरीके से। ये मैंने डाल दिया कंप्लीट आटा जो था, इसको अब 2 मिनट ऐसे हिलाता रहूंगा मैं ताकि अच्छे तरीके से आटा मिक्स हो जाए, मुलायम ग्रेवी हो हमारी बनी हुई ना। ये लेकर 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके मैंने इसको क्या करना है, आधे घंटे के लिए इसको कवर कर दें, ऊपर मैं वेट रखने लगा हूँ, इसको दम पे देने लगा हूँ आधे घंटे के लिए। और इसका जो है ना, ये इस तरह का वेट ऊपर रख दें कोई भी, फ्लेम अब जो स्लो था उससे भी कम करने लगा हूँ, स्लो फ्लेम से भी कम कर दूंगा मैं। देखिएगा, ये देखें जैसे दम पे हम किसी चीज़ को लगाते हैं, इसको अब आधे घंटे के लिए मैंने दम पे छोड़ दिया, आधे घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लगभग आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं खोलने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त थी खुशबू। अब ये कितना गला होना चाहिए ये देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आपको मैं दिखा सकूँ। ये चम्मच है मेरे पास सिंपल, ये देखें, ये देखें, इस कंडीशन में ही होना चाहिए। ये देखें, ये चम्मच से ही टूट जाए, बात समझ आ रही है आपको? ये देखें, ये देखें, चम्मच से ही टूट जाए बस, ये इतना होना चाहिए। कांटा शांटे से जोर लगा के नहीं, हल्का सा मैंने चम्मच से इसको किया और इसके इस तरीके से रेशे बनने शुरू हो गए। देख लें, ये इस तरह होना चाहिए। ये इसके अंदर मैं शामिल कर दूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला था। अब इस टाइम पे क्या करना है आपने आके, मैं आपको इसकी सर्विंग का, ये देखें थोड़ा सा मुझे लगा इसमें नमक कम है, 1/2 टेबल स्पून नमक का इसमें शामिल कर दें इस टाइम पे आके। ये देखें, और ये गरम मसाला है मेरे पास, ये मेरा खुद तैयार किया हुआ है, इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दें, इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से ऐसे। इस टाइम पे आके गरम मसाला शामिल करना है आपको, पहले नहीं करना। ये देखें, फ्लेम को बंद कर दें और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दें, 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर इसको अब मैं खोलने लगा हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ऐसा ऐसा इसके ऊपर जो है ना, ऊपर ऑयल भी आता जा रहा है। ये देखिए, ये ले व्यूअर, इसको मैं यहाँ रखने लगा हूँ, ये देख लीजिए। दूसरा बर्तन ले रहा हूँ, वो मैं क्यों ले रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, इसके अंदर डालें ऐसे, और इसके अंदर डालें ऐसे। बहुत प्यारा ज़बरदस्त लुक है इसकी, यहाँ पे डालें। अब मैंने ये 2 प्लेटें क्यों बनाई हैं मैं आपको बता दूँ। जो ओरिजिनल रेसिपी है व्यूअर, उसके ऊपर गार्निश के टाइम पे अदरक, सब्ज़ मिर्चें, धनिया ये नहीं जाता, कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, इसीलिए मैंने आपको साथ दिखाने के लिए काट के रख लिया। इससे देखें, ओरिजिनल रेसिपी पर कभी भी नहीं जाएगा ना ये धनिया, ना मिर्चें, ना अदरक। अगर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालना चाहते हैं तो इस पे देखें हल्का सा ऐसे डाल लें। ये देखें, ये मैं उस पे, इस पे मैं नहीं डालूंगा ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल रेसिपी में ये नहीं जाएगा, ये मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। अगर आपको पसंद है ये चीज़ें तो आप ये डाल के खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो कुन्ने गोश्त की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, जिस तरह मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है, इस तरीके से आप मेरे चैनल को शेयर कर दें, मेरी रेसिपियों को शेयर कर दें, किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंच जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें। फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको लाइक कर दें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।